क्या बोलते हैं, अभी मुझे एक आंटी ने रोका था, आई मीन टीचर थी वो, तो उन्होंने मुझे ये लगाया। सो गाइज टेल मी नाउ, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो गाइज टुडे आई एम गोइंग टू कनॉट प्लेस सीपी एंड वहाँ का मैं पूरा व्यू करवाने वाला हूँ और ये देखने जाएंगे कि आफ्टर टिकटॉक बैन होने के बाद वहाँ का माहौल कैसा है, क्राउड है या नहीं है। एंड राइट नाउ मैं अपने घर के किसी पार्क में हूँ और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग का इंट्रो दे रहा हूँ बिकॉज मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड जैसे कि यार मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई ब्लॉग्स वगैरह क्यों अपलोड नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई वॉज सम प्रॉब्लम इन माई लाइफ, सो दैट्स द रीज़न आई वॉज नॉट अपलोडिंग द वीडियो। एंड गाइज अब मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, एवरी संडे मैं हर एक ब्लॉग अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। सो गाइज डोंट वरी, एंड गाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू रियली अमेजिंग, सो डोंट स्किप द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज मैं अभी थोड़ा पैदल जा रहा हूँ बिकॉज मेट्रो स्टेशन सामने ही है मेरे, तो थोड़ा सा पैदल जा रहा हूँ, फिर मेट्रो से ही जाएंगे यार। मेट्रो इज़ दी बेस्ट रूट बिकॉज मैं मेट्रो से ही मोस्टली ट्रैवलिंग करता हूँ। एंड गाइज यार हम मेट्रो के अंदर ये भी देखेंगे कि मेट्रो में कितना सोशल डिस्टेंसिंग है आफ्टर लॉकडाउन। हे गाइज सो यार मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे हूँ एंड यू कैन सी माई बैक साइड, यार कोई भी नहीं है, इधर उधर कोई भी नहीं है यार, देखो बिल्कुल। मैं यार मैं शौक हूँ यार, मैं अकेला हूँ यार, मतलब इतना आफ्टर लॉकडाउन यार इतना मतलब डर फैल गया कि यार कोई भी नहीं है भाई, क्या बताऊँ यार। अब मेट्रो के अंदर देखते कितना मतलब कितना सोशल डिस्टेंसिंग है एंड कितना भीड़ है यार, मैं तो शौक हो गया यार, कोई भी नहीं है पूरे मेट्रो स्टेशन में, सिर्फ मैं अकेला हूँ यार। हाँ यार गाइज राइट नाउ आई एम इनसाइड दी मेट्रो एंड यू कैन सी यार बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा बिल्कुल पालन किया जा रहा है। तो यार मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा यार, तो यार आप लोग भी हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए, सर बहुत ही अच्छा है। तो सीपी पहुँचते हैं और वहाँ पर ब्लॉग बनाते हैं। सो गाइज राइट नाउ मैं अभी सीपी पे आ चुका हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी मैंने इधर पीछे से एग्जिट करा है और अभी मैं जाऊँगा, आप देख सकते हो इधर क्राउड कितना है यार, अभी मैं पूरा दिखाऊँगा वो रहा झंडा और अभी मैं चल रहा हूँ आगे, ठीक है। अरे यार इधर सारे प्रैंक वगैरह शूट होते हैं, ठीक है, तो देखना यार मज़ा आएगा, पूरा फुल इन्जॉय करो। देखना भाई यार देखो ये थोड़ा क्या पूरा जो है ना वीआईपी एरिया है, ठीक है, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है, ऐसे चार पांच प्लेस है जो पूरा वीआईपी है। अभी मेरे पीछे जो मैंने दिखाया था उधर पालिका बाजार पड़ता बिल्कुल नियर, ये सीपी का पार्क है इधर वाला, अभी मैं इसमें भी एंट्री करूँगा और अभी पहले मैं इधर से जा रहा हूँ ना। और देखो ये मेट्रो में जाने के लिए पता नहीं, ये देखो लाइन लगी हुई है भाई, कोविड-19 का पूरा वो है यार, समझ जा करो। सो जैसे कि यार पूरा सीपी अगर घूमना चाहते हो, सीपी बहुत बड़ा है, अगर पूरा घूमना चाहते हो यहाँ से ये मेट्रो साइकिल जो है ले सकते हो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसका, 1 आवर का 10 रुपीज़ कॉस्ट है और बहुत ही सही है यार, मतलब ये ले कर घूमता रहो।
ओनली 10 रुपीज़ लगते हैं साइकिल, पिछली बार मैंने लिया था, बट मुझे अभी नीड नहीं है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी मैं उस वाले एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पे ट्रैंक वगैरह शूट होते हैं ना, ट्रैंक वीडियोस टिकटॉक के वो शूट होते हैं। और मैं हूँ कार पार्किंग में, और अभी अंदर इस साइड जाऊँगा, इस साइड इधर से चला जाता हूँ। देखो कितने अच्छे अच्छे शोरूम है यार, मतलब शॉपिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट एरिया है। देखो यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं शॉपिंग होते इस साइड में, शॉपिंग देखो शॉपिंग के लिए तो बेस्ट प्लेस है यार। मैं रिकमेंड करूँगा कि यार यहीं से आके शॉपिंग करो, सही है, लेकिन थोड़ा बजट लेके आना पड़ेगा यार, यहाँ पे थोड़ा महंगे होते हैं, ये कनॉट प्लेस में थोड़ा महंगा मिलता है यार। तो टिकटॉक वाले तो गए, लेकिन ये ट्राईपॉड वगैरह अब कोई नहीं लेता, ऐसे ही खड़े रहते हैं, टिकटॉक बैन, तो इनका मार्केटिंग भी ख़त्म हो गया। भाई देखते रहो यार, फुल इंजॉय कराऊंगा, इंजॉय करो बस वीडियो को। और यहाँ पे थोड़ा कम सस्ते वस्ते मिल जाएगा, दिखा देता हूँ। कितने रुपए का भाई ये? भाई ये सारे मतलब एक दो का, मतलब कोई सा भी ले लूँ 200 रुपए का? कोई सा ले लो यार। अच्छा सही है यार, शॉपिंग के लिए गाइस यहाँ पे आओ, सही है, 200 रुपए में यार सही मिल रहा है, सही है ना अंकल, सही मिल रहा है ना। तो हम अपना इंडिया का झंडा दिखा देते हैं, सीपी में जो झंडा झंडा करते हैं ना, तिरंगा वो रहा, अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। अभी पहले मैं यार ये मार्केट दिखा दूँ, मार्केट शॉपिंग करने के लिए तो तुम लोग आओगे यार, एक सेकंड भाई ठोक ना दे कोई। और भाई मास्क तो यार तुम्हें हर जगह मिलेगा, मास्क की तो बहुत ज़्यादा वो है, कहीं पर भी चले जाओ मास्क अवेलेबल मिलेगा तुम्हें। भाई बेल्ट कितने की है? 350 रुपये करो। ये सन ग्लासेस 200-250, सही है। तो गाइस देखा तो बहुत ही यार, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ बार बार शॉपिंग शॉपिंग, भाई शॉपिंग करना हो ना तो सिर्फ सिटी में आओ, कनॉट प्लेस में, सिटी यार यहाँ पे बहुत कुछ है यार शॉपिंग करने के लिए, बहुत कुछ है। ये देखो अभी ये फेंकेंगी और ये उड़ेगा, अरे फेंक दो, अब फेंकना, ये देख फेंक ही नहीं भाई यार। सही बोलते यार, लड़कियों के अंदर ना जान नहीं होती यार ज़्यादा। अब उससे वही नहीं पिता यार, इतना हल्का है, उसमें इतना वेट कहाँ था। तो ये है डॉगी, अगर ये जाग गया ना भाई, कुत्ते ने मुझे एक बार काट लिया था, तो मैं डॉगी उससे बहुत दूर रहता हूँ, लेडीज़ का सामान है और लड़कियाँ बहुत मस्त हैं। और भाई दिवाली का ऑफ़र चल रहा है 1000 का, ले लो लूट लो, दिवाली का टाइम है। अभी मैं अभी देखो भाई शॉपिंग शॉपिंग बिल्कुल डिस्काउंट में यार, दिवाली का टाइम आ रहा है, बाय वन गेट फ्री का ऑफर चल रहा है अभी। मैंने पिछली बार जो एक पिक क्लिक किया था इंस्टाग्राम पे डाला था, वो पिक मैंने यहाँ पे खड़े होके लिया था, ये रहा, ये चश्मे वाले देख रहे हो, वही वो जगह है जहाँ मैंने पिक क्लिक किया था। रिंग्स है भाई तरह तरह की, एक बार मैं ये पूछ लेता हूँ फ़ोन के लिए, भाई ये कितने का मिल जाएगा ट्राइपॉड, कितने रुपए का मिल जाओगे ये वाला? वीडियो बना रहा हूँ, और क्या बन रहा है, क्यों मैं ना अभी मैं वीडियो बना रहा था ट्राईपोड का, कि भाई ट्राईपोड कितने रुपए का, तो भाई वो मना कर रहा था कि भाई वीडियो मत बनाओ और बाकी कहीं का कर लो, उनका वीडियो बना के वीडियो में पूछते हैं ना कितने कितने का, तो यार वो चीज़ अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैंने वीडियो बंद करा। फिर मैंने उससे पूछा भाई इसकी प्राइस क्या है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी मना कर रखा है, कोई लड़ सकता है, अब पता नहीं क्या रीज़न है, आई डोंट नो। और भाई मास्क यहाँ पर उतार मत देना, 500 रुपये का चालान हो जाएगा। भाई कितना ब्यूटीफुल जगह है यार, ऑसम है यार, मज़ा आ रहा है जो बात है। और भाई यहाँ व्लॉगिंग करो आराम से यार, नॉर्मल है यार, हर कोई आता है व्लॉगिंग करता है यहाँ, कोई किसी को देखता नहीं है, मज़ा आ रहा है। अभी मैं बैक साइड से दिखाता हूँ, ठीक है, वीडियो इन्जॉय करो। तो हम सीपी के डी ब्लॉक में आ चुके हैं, हमने एंट्री किया था पता नहीं कौन से ब्लॉक से, और अभी डी ब्लॉक पूरा सामने है, यू कैन सी, ये गाड़ी कभी भी ठोक सकता है, तो देख के हमेशा दोनों साइड देख के रोड क्रॉस करो, समझ रहा ना भाई, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा ना बहुत बड़ा है ये ट्राईपॉड का सिस्टम, अब कोई नहीं लेता ट्राईपॉड, टिकटॉक ही बैन हो गया यार, अब क्या लेंगे ट्राईपॉड, ट्राईपॉड की मार्केटिंग बहुत कम हो गई है। और ये आप देख सकते हो, और क्या बोलते हैं अभी
मुझे एक आंटी ने रोका, आई मीन टीचर थी वो, तो उन्होंने मुझे ये लगाया और बोल रहे बच्चों के लिए हम डोनेशन कर रहे हैं। तो मैंने यार ज़्यादा नहीं दे पाया, 10 रुपीस दिया मैंने और उन्होंने ये लगाया। आई लव माई इंडिया यार, फुल इन्जॉय करो यार, देखो यार बहुत ही लुक यार गजब आ रहा है। तो गाइज मैं जा रहा हूँ पार्क में एंट्री करने के लिए, इधर उधर का मैंने पूरा बहुत दिखा लिया, अभी मैं जाऊँगा पार्क में। तो गाइज हम एंट्री करने वाले हैं पार्क के अंदर, इधर से हम एंट्री करेंगे, गेट नंबर 6 से मैं एंट्री कर रहा हूँ। और यहाँ वो हमारा झंडा लहरा रहा है, इधर से जाएंगे, इधर से जाता हूँ मैं पहले, इधर से फिर पूरा गोल गोल पूरा घुमाऊँगा। सो गाइस पार्क के अंदर आ चुके हैं भाई, बहुत बड़ा है, अभी मैं दिखाऊंगा। देखो तुम्हें कपल्स हर जगह दिखेंगे, बिकॉज ये पार्क स्पेशली कपल्स के लिए है। ये देखो, यू कैन सी गाइस, मुझे ये सब शूट नहीं करना चाहिए बट फिर भी यार कर लेते हैं, क्या जा रहा है। सो गाइस टेल मी नाउ, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है यार? ये लड़की क्या सिंगल है क्या? नहीं छोड़ो यार, ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं पहले पूरा ना ब्लॉग बना लेता हूँ, पूरा यहाँ का व्यू करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ सेल्फी वगैरह लूँगा अपना यार, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी तो करना है यार, ऐसे थोड़ी है यहाँ पे। तो गाइस अभी ना मैं पहले पूरा इधर नीचे से राउंड मार लेता हूँ, फिर उधर ऊपर से, फिर मैं जैसे कि इधर से ना पूरा ऊपर से फिर मैं व्यू करवाऊँगा आफ्टर लॉकडाउन एंड आफ्टर टिकटॉक बैन के बाद। बिल्कुल पार, ये देखो सीपी का ये हाल है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, नहीं तो यहाँ पे इतना क्राउड होता ना, इस टाइम तो इतना क्राउड होता है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो कोई भी नहीं है, बंदे सेल्फी ले रहे, वो गर्ल्स हैं उधर, मैं दिखा देता हूँ। और ये वही जगह है जहाँ पे मोस्टली टिकटॉकर्स आते हैं। और जैसे कि यार मैं बोल रहा था ना, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता यार, रीज़न है, बहुत रीजन्स है, टाइम नहीं मिलता एक चीज़ तो यार, मैं जॉब करता हूँ यार, बट मैं फिर भी ना टाइम को मैनेज करता हूँ, टाइम को मैनेज करके मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो ये रहा ऊपर का पूरा नज़ारा, ये है ये रहा मेरा यार, पीछे का देखो कपल्स कितने हैं यार, ये देखो कपल्स तुम लोगों को दिख नहीं रहे होंगे थोड़ा दूर दूर, ये देखो यार क्राउड नहीं है भाई, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है यार, इतना क्राउड होता है ना इस टाइम भाई, क्या बताऊँ, जैसे कोई शो चल रहा हो, कोई सेलिब्रिटी आए, इतना क्राउड होता है अभी। तो अभी मैं थोड़ा इधर घूम लेता हूँ, इधर चला जाता हूँ, दिखा देता हूँ उस साइड से, मैं थोड़ा नीचे दिखाऊँगा और मैं यहाँ पे खड़े होके सेल्फी लूँगा यार, सेल्फी। और अभी जो है यार थोड़ा इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो मौसम बहुत ही रोमांटिक सा है। तो गाइज मैं अभी थोड़ा यार बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, और मैं कहीं बैठ रहा हूँ और बैठ के मैं कुछ आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा भी और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी कहूँगा, ठीक है। मैं कैमरे की तरफ ना बहुत देर से ना मैं अपना फेस देख रहा हूँ, और फेस देख रहा हूँ तो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा, अब मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ ना तो मैं अब आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, बट मैं यहाँ देख रहा था ना जब से यार मैंने अपना वीडियो देखा यार, मैंने कहा ये क्या यार, ऐसा कैसे, पता नहीं यार क्या सिस्टम है यार। गाइस तो मैं पार्क में बैठ चुका हूँ, और अभी क्या है ना मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी ठंड ठंड सी लग रही है, बट आज मैं डेनिम पहन के आया हूँ, और डेनिम के नीचे एक टी शर्ट है, तो इतना ठंड है नहीं अभी राइट नाउ, रात के टाइम थोड़ा हो जाएगा, तो इससे पहले मैं घर चला जाऊँगा। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखना चाहोगे ना, बैक साइड में दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ है। सो गाइस ये जो लड़की है ना, ये बना रही है MS टकाटक की वीडियो, टिकटॉक तो बंद हो चुका है, MS टकाटक की वीडियोस बना रही हैं, और मैं जब से देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, नोटिस कर रहा हूँ मैंने, इन्हें कम से कम हाफ एन आवर हो गया और वो ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं यार, बताओ। टिकटॉक बैन, टकाटक स्टार्ट। होप यू गाइस यू एंजॉय द वीडियो, इफ यू एंजॉय द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड ड्रॉप ए कमेंट, एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी,
और मैं यहाँ पे एनी टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो यार वहाँ पे मुझे फॉलो करो और गजब गजब की स्टोरी डालता हूँ। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।